अहम हेडलाइंस आप जान चुके हैं, कुछ अहम खबरें आप तक पहुंचाएं। तहरीके इंसाफ ने सबतैन खान को पंजाब असेंबली में अपोजिशन लीडर नामजद कर दिया। स्पीकर पंजाब असेंबली परवेज इलाही ने इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। नुमाइंदे खसूसी आसिम नसीर से बात करते हैं। आसिम, बताइए क्या तफसीलात हैं? आज ही बिल्कुल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक मरतबा एक बड़ा यूटर्न लिया है और पंजाब में, क्योंकि अभी तक ये फैसला नहीं हो रहा था कि वो पंजाब की सियासत में रहेंगे या नहीं रहेंगे, लेकिन पंजाब में बाकायदा तौर पर रहने के लिए उन्होंने अपना अपोजिशन लीडर जो है उसे नामजद करने की दरखास्त दी थी। सबतैन खान को अपोजिशन लीडर बनाया गया है और बाकायदा तौर पर स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही ने उनका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। और इस हवाले से समा कल ही ये खबर दे चुका हुआ था कि तहरीक इंसाफ के अंदर जो धड़ाबंदियां उनमें नजरियाती ग्रुप सबतैन खान की हमायत कर रहे हैं, दूसरी जानब चौधरी परवेज इलाही के ये मद्दे मुकाबले इन्हें समझा जा रहा था और सबतैन खान एंटी चौधरी परवेज इलाही ग्रुप उन्हें समझा जा रहा था, क्योंकि चौधरी परवेज इलाही ने गुज़िश्ता रोज राजा बिशारत और मियां महमूदुर रशीद का नाम अपोजिशन लीडर के लिए नामजद किया था, लेकिन पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने सबतैन खान के नाम की मंजूरी दी और अब स्पीकर सेक्रेटेरिएट से और पंजाब असेंबली सेक्रेटेरिएट से बाकायदा तौर पर नए कायदे हिस्से इख्तलाफ का नोटिफिकेशन जारी हुआ है और इस तरह सबतैन खान वो पंजाब में अपोजिशन तहरीके इंसाफ ने सबतैन खान को पंजाब असेंबली में अपोजिशन लीडर नामजद कर दिया। आसिम नसीर, तफसील के लिए आपका शुक्रिया।